सॉरी, इतनी गर्मी है कि पूछो मत। ये तो देखो ये हालत है बाबा, सी पूरा पसीना 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 पसीना। गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने काफी टाइम से वीडियो नहीं बनाया है, उसके लिए सॉरी। मैं बताना चाहती हूँ कि गाइस मैं अभी उसके बहुत सारे रीजन से मैंने नहीं बनाया। मेरी थोड़ी सी बिजी भी थी, मेरी थोड़ा फैमिली काम भी था, एंड मैं पर्सनल चीजें भी थी, और काफी टाइम के बाद मैं आई गाइस। हम बात बाकी बातें बाद में करेंगे। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ मेरे एक जो मैंने लास्ट फिल्म की थी उसकी डबिंग है यार, तो मैं उस डबिंग में आपको लेके चलता हूँ। आप देखिए कि फिल्म में डबिंग कैसे होती है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं, ये हमारे हैंडसम गुड लुकिंग क्यूट से जो है ये डायरेक्टर हैं। हाँ, लोग विश्वास में लेकिन डायरेक्टर और इनकी फिल्म को मैं अभी डबिंग करने जा रही हूँ ऐसे करके, और अभी मेरी डबिंग स्टार्ट होगी। ये हमारे रिकॉर्डिस्ट है। और ये हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं मिस्टर बोनी कपूर जी। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप अच्छे हैं माशाल्लाह। ये रिकॉर्डिस्ट हैं, यहाँ पूरा सेटअप, थोड़ा सेटअप दिखाना। ये सारा सेटअप है इनका, और अंदर अंदर स्टूडियो है। बस अभी दिखाओ इधर कपिल को। और मैरी का बहुत अच्छा रोल है इसमें। और मैं बहुत अच्छा रोल कर रही हूँ बिकॉज ऑफ कपिल ने स्पेशली सीन लिखा है मेरे लिए, बहुत अच्छा सा सीन लिखा है। और ये डबिंग डबिंग थिएटर है, ये माइक है, ठीक है। अभी इसमें मैं डायलॉग्स बोलूंगी और सामने वो स्क्रीन देखो, स्क्रीन पर देखो। हाँ, ये सामने स्क्रीन में डायलॉग्स लिखेगा मेरा ऐसा। सो अभी मैं डबिंग करने चाह रही हूँ, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। Guys, I think so you liked my video, short videos, and please subscribe my channel, please share my video and like me also. And आप लोग subscribe नहीं करते हैं, share नहीं करते हैं, like नहीं करते हैं, इसलिए मेरा motivation थोड़ा loose हो जाता है। तो please, and thanks for watching me.